बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे फर्स्ट ईयर उर्दू लाजमी का सिलेबस, यानी कि फर्स्ट ईयर में जो उर्दू लाजमी होती है उसके अंदर क्या क्या सिलेबस मौजूद होता है वो हम पहले देख लेते हैं। उससे पहले आप ताकि स्टूडेंट्स आपको हमारे आने वाले इसी तरह के लेक्चर्स और इम्पोर्टेंट बातें मिल सकें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास फर्स्ट ईयर उर्दू लाजमी की टेक्स्ट बुक मौजूद है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो लाजमी का जो हिस्सा है वो कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले हिस्सा नज़र आती है, जिसमें हिस्सा नज़र की कहानियाँ होती हैं। उसके बाद हिस्सा नज़म स्टार्ट हो जाता है, जिसमें बहुत सी नज़में होती हैं। और फिर आ जाता है हिस्सा गज़ल, जिसमें मशहूर शायर की गज़लें मौजूद होती हैं, जो हर एक शायर की दो दो गज़लें दी जाती हैं। ये था उर्दू ए का। अब उसके बाद है ग्रामर का हिस्सा। फर्स्ट ईयर उर्दू ग्रामर का हिस्से में से आती है दरख्वास्तें, रुदाद, मुकालमा, और जो उसके मारूजी हिस्सा है जो ग्रामर में से आता है फर्स्ट ईयर के लिए, वो होता है तशबीह, इस्तारा, तलमीम, मतला, मक्ता, काफिया, रदीब, तस्कीर व तानीस। ये था फर्स्ट ईयर उर्दू लाजमी का सिलेबस, जिसमें टेक्स्ट बुक भी मैंने आपको बताई, टेक्स्ट बुक में क्या क्या निसाब होता है, और ये उर्दू ग्रामर का हिस्सा।